उप मुखिया के पहल से सुलझा कुम्हारडीह में दो परिवार के बीच चल रहा आपसी विवाद। कुम्हारडीह में सरस्वती पूजा के दिन दो परिवार आपस में उलझ गए थे। सरस्वती मूर्ति विसर्जन को लेकर दो नाबालिग आपस में उलझे, जिसके बाद दोनों के परिवार आपस में मारा पीटी करने पर उतारू हो गए। दोनों ने गोविंदपुर थाने में जाकर आवेदन दिया एवं पुलिस से मांग किया को कानूनी कार्रवाई करें। आज उप मुखिया की अगुवाई में ग्रामीणों की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष अपना आवेदन वापस लेंगे एवं मिलजुल कर रहेंगे। उप मुखिया ने कहा, क्या था मामला आज जो आप लोग यहाँ जमा हुए, क्या था और क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया, जैसे बच्चे के झगड़ा में लोग आपसी झगड़ा हो गए थे, इनका समाधान किया गया कि आज के बाद ये झगड़ा और नहीं होंगे आगे चल के। अगर झगड़ा होते हैं इसमें पंच इनका दोषी ठहराएंगे। आपने क्या पाया यहाँ जो आए, दोषी कौन थे और कैसे इसको निपटारा किया? हाँ, निपटारा के जैसे मुखिया को खबर दिए गए, मुखिया की अगुवाई में हमको बुला गया, उप मुखिया जी आए हम और आके इसको समाधान किए कि बच्चा के लड़ाई में ये झगड़ा बढ़ गया था और इसको आज उसको समाप्त किया। भविष्य में ऐसा ना हो ना, इसके लिए क्या किया आप लोग? भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए एक आवेदन लिखा गया है, पंच भद्रांग का साइन हुआ है इसमें कि आगे से जो भी इसका दोषी करार होगा उसको पंच ही इसका फैसला करेगा। नाम और पद बता दें आप अपना। अपना नाम, मेरा नाम उप मुखिया विमल चंद्र दे, रतनपुर पंचायत।